रिखिया थाना अंतर्गत थाड़ी बिशनपुर में रूपेश मेहता का शव एक पोखर से बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि मृतक रूपेश पिछले दो दिनों से घर नहीं गया था। अब रूपेश का शव बरामद होने के बाद उसके घर वाले हत्या की आशंका जता रहे हैं। बताइए तो क्या हुआ? मारी लोग सुते तीन दिन बेटा हम खोजी रहल छियो, बेटा पता नहीं मिले छो, फोन नहीं लगी रहल छियो, तीन दिन खोजी रहल छियो, हमर बेटा परसुए निकल रहल छो, मारी कहाँ सुते दिल छो पानी, बेटा बेटा बोले छियो, बेटा हमर नहीं मिले के मारी दिल छे धीरालो चलो दू गोटा में धीरे मारी दिल को। यूं तो रूपेश मजदूरी का काम करता था, लेकिन वह घर का इकलौता कमाऊ सदस्य था। रूपेश की मौत के बाद उसकी पत्नी कंचन देवी बेसुध हो रही है, क्योंकि उन दो बच्चियों का क्या होगा जिसे रूपेश इस दुनिया में छोड़ गया। अब वह सरकार और जिला प्रशासन से सरकारी योजनाओं की गुहार लगा रही है। मदद चाहिए, मैं घर दूँ, बच्चा पर क्या रखते कुछ मदद। रूपेश की मौत पर फिलहाल पुलिस तहकीकात कर रही है, लेकिन अब परिजनों की आस जिला प्रशासन पर ही टिकी है। उनका बस एक ही मांग है, घर और राशन उन्हें उपलब्ध कराया जाए, ताकि वह अपने बच्चों का पेट पाल सके। देवघर से कैमरामैन विकास के साथ गुड्डू झा की रिपोर्ट। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।